नमस्कार। मैं स्पीक मैके के सभी सूत्रधारों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अब तक का सफर तय किया है, कि कितनी भी कठिनाइयां हो उसके बावजूद आप कार्यक्रम करते रहे, लोगों की मन को रिझवाते रहे और साथ ही में भारतीय संस्कृति को आगे लेते चले। और ये आज इसी चीज का एक उदाहरण है कि इसके बावजूद या सब जगह पर लोगों को मिलने के लिए पाबंदी है, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम हो नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद भी इस संकट को टालने के लिए ये रास्ता सोचा और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं स्पीक मैके के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और आज ये संयोग की बात है, इस कार्यक्रम ने मैं खुद को ही देख पा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, और जो जिन्होंने अपने भाषण किए, जिन्होंने भाषण नहीं किए, ऐसे लोगों के चेहरे भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये संयोग की बात इसलिए है, यही इस संगठन की खूबी है। संगठन कौन चलाता है ये भी हमें कभी नजर नहीं आता, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं वो तो नजर आते हैं, जो कलाकार है उनकी अदाएं तो हम देख पाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनका चेहरा, उनकी नाम भी शायद हमको पता भी नहीं होते। इसमें से एक है किरण सेठ जी, कुंदा माहुरकर जी, हमारे करण सिंह जी, अजय सहाय जी, ऐसे काफी लोग हैं और बहुत सारे सैकड़ों हजारों स्वयं सेवक भी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए काफी समय से अपनी जिंदगी की बहुत असली, बहुत कीमती समय इसके पीछे उन्होंने लगाया है। और इसलिए आज हम काफी अभिमान से कह सकते हैं कि स्पीक मैके भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में सबसे यदि किसी ने योगदान दिया होगा तो योगदान हमारे स्पीक मैके ने दिया है। बहुत अच्छे कलाकार जो अपनी अदाकारी करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, वो स्पीक मैके के कार्यक्रम में सिर्फ टोकन अमाउंट लेके कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है। ये प्रेरणा आती है संस्कृति को जीवित रखना और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो पूरे काफी सालों से हमारे कान को, हमारे पूरे शरीर को एक आनंद देते आ रहा है, उसको आगे ले जाना। और इसलिए मैं स्पीक मैके के सभी कार्यक्रम करने वाले लोगों को संस्कृति रक्षक कहूंगा, जो कलाकार है उनको संस्कृति वर्धक कहूंगा, और ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। सिर्फ बधाई नहीं तो और कुछ देना चाहे, लेकिन मेरे हाथ में जो है सिर्फ बधाई आपको दे सकता हूँ। और इसलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि आपने भी उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, जो तो मेरे कान हमेशा इस गाने गाने सुनने के लिए तरसते रहते हैं। आज एक दोबारा तोहफा मिलेगा और ये जो हमेशा हर साल ये कार्यक्रम होता है, वो आज की कार्यक्रम में उसकी अगली श्रृंखला भी हमें आनंद देते रहेगी। मैं इस बात को जानता हूं कि संस्कृति बहुत सारे माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करती है, लेकिन संगीत ये ऐसी चीज है कि जो हमेशा अपने संस्कृति को रक्षा करने के लिए, संस्कृति को एक साथ में जुड़ने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। संगीत है, नृत्य है, अलग अलग कला के जो साधन है वो सभी में आपने काम किया है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमारे महात्मा गांधी जी, उनको यादगार में भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे महात्मा गांधी जी का जीवन अपने आप में सभी को बहुत सारी कुछ दर्शाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी जब याद आते हैं तो एक बात हमेशा याद जरूर आती है और है वैष्णव जन जो जन जो देने, वैष्णव जन किसको कहना चाहिए,
जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को काम करने के लिए दी है। तो ये गाना याद आता है, वो महात्मा गांधी को याद करता है। यानी गांधी जी को भी इस बात का पता था कि मेरे विचार भी लोगों तक पहुंचाना है तो गाना एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और इसलिए गांधी जी को याद करते समय गाना भी याद आता है, और आज ये कार्यक्रम आप गांधी जी के साथ साथ गाने के साथ लोगों तक पहुंचा भी रहे। आज कोरोना का संकट है, और इस संकट में हम सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। आपने बहुत उसके लिए मेहनत भी की है, लेकिन आज इस कोरोना का जो संकट है इसको दो पहलू हमेशा सामने आते हैं। एक तो जो हमारे शरीर को तकलीफ होगी उसका शरीर है, हेल्थ का रिलेटेड है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और दूसरा है आर्थिक, उसके जो विपरीत परिणाम हमारे सामने आते हैं। वो दोनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा भी की जाती है, लेकिन मुझे लगता है और एक संकट है जो स्वास्थ्य से निगड़ित भी है, लेकिन वो स्वास्थ्य जब हमें कुछ बीमारी होती है तो पता चलता है, बुखार आता है तो पता चलता है, लेकिन ऐसी कुछ बीमारी होती है जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देती, और ये मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कला एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, और आज के कोरोना में मानसिक स्वास्थ्य से भी पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग चिंतित होते जा रहे हैं। ऐसे समय आपका कार्यक्रम ये लोगों को एक और बड़ी मात्रा में उनको सुदृढ़ बनाने के लिए काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सबके सामने अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्पीक पाके के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, इस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था जब प्रधानमंत्री जी ने खुद बातचीत की थी, और ये बात इसकी दर्शकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद कितनी बड़ी मात्रा में भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए स्पीक पैकेज जो प्रयास कर रहे हैं उसके कितने समर्थक हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का आपके लिए इतना बड़ा समर्थन है, तो बहुत ही जल्द स्पीक माके देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी अपना संदेश दोहराएगा, और इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आपका जो काम चल रहा है उसका लाभ अपने लोगों को होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति लोगों को पता इसलिए चले कि सिर्फ हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, वो एक होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि इसका लाभ लोगों को कैसे हो। यदि पूरे विश्व के लोगों को उसका लाभ मिलता है, उनके लिए उसके कुछ फायदा भी होता है, तो मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा आनंद होगा, और ये करने का काम भी स्पीक पाके कर रही है, करेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। तो दोबारा आप सब टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको शायद इस बात का पता भी है कि टेक्नोलॉजी अपना काम कुछ हद तक कर सकती है, लेकिन संगीत जो काम करती है, कला जो काम कर सकती है, वो शायद उससे भी आगे जाके काम कर सकते हैं। और कला का मानवीय जीवन में बढ़ोतरी देने का जो काम है वो भी एक टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं संबंधित है ही है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी ज्ञान किरण सेठ जी को तो होगा ही होगा, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर भी है, टेक्नोलॉजिस्ट भी है, और साथ में उनके कान भी संगीत से जुड़े हुए हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि बार बार हमें ये मौका मिलेगा कि संगीत की सेवा, मैं तो संगीत से गाना गा नहीं सकता हूँ, ना तो कुछ कला क्षेत्र में कुछ और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कलाकारों को समर्थन देने का, कलाकारों को और ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करने का काम मेरी तरफ से होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और दोबारा स्पीक मैके के सभी ऐसे बहुत बड़े सिरेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस ज्योति को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सुरेश प्रभु जी।